राजधानी लखनऊ में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हम जानते हैं आपको भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, भुक्खड़ अंकिता की गाड़ी नहीं है थमती। दुर्गा खस्ता कॉर्नर के बाद अब हम पहुँचे वहाँ, जिसकी एक चुस्की आपकी पूरी थकान और कपकपाती ठंड को छूमंतर कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय की, पर नॉर्मल चाय की नहीं, SRS मॉल के सामने स्थित सिस्टम चाय कॉर्नर की। इनकी कुल्हड़ वाली चाय के दीवाने दूर दूर से खींचे चले आते हैं, क्योंकि स्वाद ही कुछ ऐसा है। सुबह हो या शाम, बच्चे हो या बूढ़े, यहाँ सबका तांता लगा रहता है। इस कॉर्नर के नाम के मुताबिक यहाँ सारी चीजें एक सिस्टम से की जाती हैं। चाय बनाने का तरीका हो या उसमें डाले जाने वाली चीजें, सबका एक सिस्टम है। यहाँ कुल्हड़ वाली सोधी चाय के साथ बनमस्का और बिस्कुट भी परोसे जाते हैं। तो आप भी सुनिए क्या कहना है यहाँ के सिस्टम चाचा और चाय के दीवानों का। आप देख रहे हैं TV24, मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट। ठंड का सितम राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम जानते हैं जैसे जैसे ठंड करीब आती है, लोग गरम गरम चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही भुक्कड़ अंकिता की गाड़ी भी निकल पड़ी और पहुंची है सिस्टम चाय वाले के वहाँ। जी हाँ, इनकी चाय पूरे लखनऊ में बहुत मशहूर है, तो आइए हम भी जानते हैं इनकी चाय में ऐसा क्या है कुछ खास। आपका नाम? यहाँ पर क्या क्या करते हैं? चाय, बन मक्खन, बिस्किट ये बेचते हैं। और यहाँ पे चाय के साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? चाय में पानी होगा, बिस्किट होगा, बन मक्खन होगा, चाय होगी। चाय की ऐसी क्या खासियत है कि लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर से खींचे चले आते हैं? चाय की अच्छी क्वालिटी होगी, वही सब चल के आते हैं। क्या क्या उसमें क्या कुछ अलग डालते हैं आप? क्या पड़ता है आपका? लौंग इलायची है, पानी पड़ता नहीं, दूध पड़ता है बिल्कुल। सिर्फ दूध की चाय बनती है, पानी बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आपके वहाँ कौन कौन लोग काम करते हैं? इसमें 7 लोग हैं। इसमें अभी तो सिर्फ 2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। 7 लोग हैं, 7 लोग काम करते हैं। अच्छा। तो ये क्या कितनी देर तक चलता है ये? और रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक चलती है, तो यहाँ शिफ्ट चलती है क्या? कितने कितने घंटे की? सुबह 6 से 11, फिर 11 से 11। 11 से 11। अच्छा, तो अभी आप सुबह से आए? 11 बजे आए हुए। 11 बजे आप रात तक रहेंगे? हाँ। तो आप मुझे जरा चाय दीजिए, जरा मैं भी दर्शकों को बताऊं कि कैसी है यहाँ की चाय, क्या है कुछ खास। तो आप ये देखिए, इनकी चाय देखिए, चाय का कलर देखिए, ये पूरे दूध की चाय है। तो मैं पी के देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसी है ये चाय। वाकई चाय का स्वाद तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और पूरे दूध की चाय है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपके भाई की दुकान है ये? अच्छा, तो आप? हम यहाँ पे जो है गाड़ी उनके घर के सामने ना लगें, इसलिए जो है। तो कितने सालों से दुकान चल रही है? ये हो गया 10-15 साल। 10-15 साल से चल रही है। अच्छा, इसका जो नाम रखा है सिस्टम चाय वाला, इसका क्या, ये क्यों रखा? ये जो है हर बार हमारे भाई जो है सिस्टम से बात करते थे कि कोई भी काम करो सिस्टम से करो, तो अपनी दुकान का भी नाम सिस्टम रख लिया उन्होंने। मतलब कैसे सिस्टम की बात करते हैं वो? अब जो, अरे भाई जो भी बात है, कोई बात कहेंगे बच्चों से भी, तो कहते हैं ना कि हर काम सिस्टम से किया करो, मतलब एक तरीके से। जी जी। अच्छा। तो इसलिए उसी से नाम रख लिया दुकान का, सिस्टम। अच्छा अच्छा, तो ये दिखाइए, देखिए किस तरह से यहाँ कुल्हड़ सजे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कुल्हड़ कितनी देर में खत्म हो जाते हैं? इसका टारगेट नहीं लगा पाते हम, इसका नाली नहीं है। तो मतलब ये कब, 15 मिनट, 10 मिनट या फिर कितना? मुश्किल से आधा घंटा लग ही जाएगा खत्म होने, कस्टमर पे होगा। अच्छा, एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं यहाँ? अब ये सब इतना कहाँ आते हैं, चले जाते हैं। अब ये फिर भी आप इतने सालों से दुकान चल रही है? अरे अभी पता ना, 50 अभी आए, 50 अभी शाम को आए, बस ऐसे ऐसे है। तो लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, जो लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं यहाँ पर ठंड के मौसम में। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप चाय ले रही हैं? हाँ बिल्कुल बोलना चाहूँगी। ये हमारे पड़ोसी हैं, मैं पास में रहती हूँ। हाँ। लेकिन अभी भी निकल दे, किसी टाइम पे निकलिए तो ये होता है कि भैया के यहाँ की चाय पी के फिर जाना है। अच्छा, चाय में आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि चाय तो बहुत जगह मिलती है? चाय तो एग्जैक्टली चाय में इनका थोड़ा सोंधापन है फर्स्ट, और दूध एकदम जो पका वाला, जो हम लोग लखनऊ वाले जो पसंद करते हैं वो है,
और सबसे बड़ी बात ये कुल्हड़ में मिलता है। अच्छा। तो अभी मैं मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, दो कप चाय लेके जा रही हूँ, वो पियेंगे, फिर थोड़ा और मन करेगा और लेके जाऊंगी। तो ये यहाँ की खासियत है। कब से पी रही है चाय? मुझे तो ये जब से शुरू हुआ तब से, क्योंकि मेरा घर 23 साल हो गए बने हुए, इनका जब से शुरू हुआ तब से चल रहा है। और क्या क्या चीज़ें खाती हैं? नहीं, मैं यहाँ तो सिर्फ चाय। हाँ, सिर्फ चाय का आनंद लेती हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं हम और जानते हैं। हाँ सर, आप यहाँ पे चाय पी रहे हैं? हाँ, तो आप कब से पी रहे हैं चाय? हमें लगभग हो रहा होगा 5 से 6 साल। 5 से 6 साल से चाय पी रहे हैं जी। क्या अलग लगता है चाय में? टेस्ट अच्छा है। जी, आपके घर में भी तो चाय बनती होगी, पर आप यहाँ आ रहे हैं चाय पीने। इसका टेस्ट अलग है, वो घर पे अलग टेस्ट है। क्या कुछ अलग क्या लगता है आपको, अंतर क्या लगता है? क्योंकि चाय तो आप, चाय हर जगह मिलती है, हर नुक्कड़ में मिलती है, पर आप यहाँ आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे सबसे मुलाकात भी होती है और दूसरी चीज़ें चाय अच्छी है। सबसे मुलाकात होती है, आपके दोस्त आते हैं यहाँ पे? जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से बात करते हैं। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर लगातार भीड़ लग रही है। सर, आप यहाँ पर चाय लेने आए? हाँ। कब से पी रहे हैं चाय यहाँ? करीब 15 दिन से। 15 दिन से पी रहे हैं, मतलब बहुत पहले से नहीं आए हैं? तो 15 दिन से पी रहे हैं, लगातार आ रहे हैं आप यहाँ? लगातार, पर डे। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ की चाय में? चाय का स्वाद बढ़िया है। सोना चाय है, और मेन है कि इसमें पानी नहीं है, दूध में जो है पानी मिला के ये लोग नहीं देते हैं बस। देखिए, हम इस दुकान पर ही मौजूद थे, तभी अचानक जो इस दुकान सिस्टम चाय वाले के ही एक जो ग्राहक हैं वो अचानक से आओ, देखिए उन्होंने ये तोहफा दिया है इनको। बताइए जरा, ये क्या है? जी, ये नए साल का डायरी और कैलेंडर है। किस खुशी में दिया आपने? नए साल की खुशी में दिए हैं। अच्छा। जी, क्या मतलब ये? अच्छा, डायरी और ये कैलेंडर दिया? कैलेंडर जी। चाय पीने आते हैं? जी, चाय पीने आते हैं। कितने सालों से? अरे हो गया, करीब 6-7 साल तो हो गया। जब से दुकान खुली है तब से। कहाँ से आते हैं? न्यू अमेठी से। इतनी दूर से यहाँ आते हैं? हाँ, स्पेशल चाय पीने के लिए आते हैं और लेके भी जाते हैं। क्या अलग लगता है चाय में? चाय का टेस्ट अच्छा है, जो आदमी पीता वो भी आता है तो कहता है भैया चाय वहीं का चाहिए, सिस्टम का। अच्छा। हाँ, मतलब सिस्टम की चाय में ऐसा क्या अलग, कुछ खास क्या टेस्ट पसंद आता है? टेस्ट हमें नहीं, जो पीता है उसको टेस्ट लग जाता है कि हाँ टेस्ट, हमें सिस्टम का ही चाय चाहिए, जो आता है वो कहता है सिस्टम का ही चाय चाहिए। अच्छा। तो फिर मंगवाया जाता है इनसे जो है। तो आपने चाय पी ली अभी? पी जी, अभी पियेंगे। अच्छा। हाँ, आप ये तोहफा लेके आए? हाँ, हमारा कुंदन ट्रेडर्स के नाम से शॉप है, मोरंग गिट्टी सरिया सीमेंट वमेंट का, वहीं पे, तो वहाँ पैक करके जाता भी है। हाँ। और वहाँ से पीने के लिए हम लोग आते भी हैं, शाम उम को भी आते हैं, 5-6 लोग हमेशा बराबर आते जाते रहते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। आप कब से पी रहे हैं चाय? नहीं, हम तो यहाँ 4 साल से हैं। 4 साल से हैं, तो आप लगातार चाय पीने के लिए ही आते हैं? हाँ, डेली इन्हीं के पास आते हैं हम। क्या अलग लगता है चाय में? मतलब इनका चाय कुल्हड़ वाला है, जो जैसे अब एक गाँव का जो सीन होता है ना, जैसे वो वाला टेस्ट आता है इसमें, और मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, जैसे ऐसा लगेगा कि नहीं कि मैं अपना घर का चाय पी रहा हूँ, ये चीज़ है इनके चाय में। और हम यहाँ पे 4-5 साल से हैं, UPMRC है, इसमें जॉब करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा खून है ये। अच्छा, आपका खून किस हिसाब से? जब चाय पीते हैं तो एनर्जी आ जाता है ना शरीर में। हाँ, क्योंकि 12 घंटा काम करना पड़ता है, और इनका चाय पी करके जब काम करते हैं तो मज़ा आता है। चाय पी के काम करते तो मजा आते हैं। 3-4 बार आ ही जाते हैं, इनके पास कुछ पैसे उधारी भी रह जाते हैं, कुछ ना भी दे करके जाते हैं तो चलता है, पी करके लेकिन जरूर जाते हैं। जल्दी पी के जरूर जाते हैं, कभी छोड़ते नहीं है चाय? कभी नहीं छूटती चाय? नहीं। अच्छा। कभी कभी घर जाते हैं तो इनका चाय का याद आता है, लेकिन ये मिट्टी वाला खुशबू नहीं मिलता, वहाँ जाते हैं तो कांच के गिलास में मिलता है, ये चीज़ हमें यहीं पर मिलता है ज़्यादातर। जो मिट्टी की जो आप कह रहे हैं, मतलब मिट्टी के कुल्हड़ में आपको चाय पीना ज़्यादा पसंद? हाँ हाँ जी, कुल्हड़ वाला चाय। और घर में किसी के लिए लेके जाते हैं चाय? अब यहाँ से चाय लेकर के जाएंगे, अब मेरा घर तो पटना में है। अच्छा। तो जैसे अगर यहाँ कोई रहता हो तो यहाँ पे ये साथी हैं ना, ये लोग हमारे सीनियर हैं, तो साथ में ही आ जाते हैं पीने के लिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। पूछ लीजिए। हाँ, आप चाय? मैडम, मैं तो बचपन से पी रहा हूँ यहाँ की चाय। बचपन से पी रहे हैं? यहाँ तो 3 साल से पी रहे हैं। हाँ, यहीं की बात कर रहा हूँ अभी। तो क्या अलग लगता है चाय? डिफरेंट है। हाँ। मतलब एक मेरे को तो वैसे भी चाय ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चाय आपको वैसे पसंद है। कुछ अलग नहीं लगता चाय? अलग लगता, तभी तो आते हैं यहाँ पे। वही तो पूछ रही हूँ, क्या अलग, क्या अलग आपको लगता है कि आप यहाँ पर आते हैं 3 साल से? मैडम, आप जहाँ की चाय पियोगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब वो इन्हें कि इतने शब्द की बयान नहीं कर सकते ना। इतनी
कितनी अच्छी लगती है चाय यहाँ की? यहाँ तो मतलब अभी लास्ट चाय हम लोग पीते हैं यहाँ पे आके रात को, जो लास्ट बचता है ना लास्ट चाय वो भी आके पीते हैं यहाँ पे। वाह 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 वाह, आप चाय नहीं पीते हैं? क्यों? मैं बचपन से नहीं पिया कभी, तो यहाँ की ट्राई नहीं की? नहीं, फ्रेग्रेंस अच्छा आता है बट कभी ट्राई ऐसे पसंद नहीं है। पसंद क्या आपको? नॉर्मल दूध पीता हूँ, चाय नहीं पीते हैं आप? तो कभी आपने ट्राई किया है? नहीं नहीं, ट्राई भी नहीं की यहाँ की चाय, इतनी फेमस चाय ट्राई नहीं की है? कभी आदत ही नहीं है ना, मुझे थोड़ा नशा सा होने लगता है। एक बार ट्राई करा था बट मतलब यहाँ का नहीं, कहीं और का ट्राई करा था, तो इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। चाय भी क्या आपको नशा सा होने लगता है? नहीं ना, इसकी वजह से। तो आपने सुना है यहाँ की चाय पीने से कुछ लोगों को नशा सा भी होने लगता है। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये कप में चाय क्यों पी रहे हैं? कुल्लड़ की चाय? कुल्लड़ वाली भी अच्छी है मैम, लेकिन कटिंग हम लोगों ने ऐसे ही पी ली क्योंकि दूसरी चाय है। कब से पी रहे हैं यहाँ की चाय? परमानेंट पीते हैं मैम। परमानेंट पी रहे हैं? कितने सालों से? मैम जब से दुकान है तब से पी रहे हैं। जब से दुकान है तब से? अच्छा, आप क्या करते हैं? मैम हमारा रियल इस्टेट का काम है। रियल इस्टेट का काम है, अच्छा। तो ये भी भाई साहब चाय पी रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं। लोग बोलना नहीं चाह रहे, आइए और लोगों से बात करते हैं। इधर कुछ लोग खड़े हैं, आइए आइए आइए। हाँ, आप कब से चाय पी रहे हैं? हम अभी से पी रहे हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ दुकान की बात कर रही हूँ। दुकान में तो हो गया 6-7 महीना हो गया। आप स्कूल से आए हैं? कॉलेज से? कॉलेज है ना। कौन से कॉलेज से? IMRT। अच्छा, तो कॉलेज की छुट्टी हो गई है? क्या हो गई? ब्रेक है? छुट्टी हो गई है, वो एक्चुअली मैं नमाज पढ़ के आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चाय में क्या अलग लगता है? टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब अलग ही है। अलग ही है? क्या अलग है? चाय मतलब जो भी डालते हो लेकिन अलग ही एकदम टेस्ट है। एकदम अलग है। अच्छा, और क्या क्या चाय के साथ कुछ और भी लेते हैं आप यहाँ पर? कभी कभी ब्रेड बटर ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, आपका नाम? इस्माइल। कब से चाय पी रहे हैं? मैं अप्रोक्स 2-3 इयर्स हो गया। आप कुल्हड़ में नहीं पी रहे? कुल्हड़ में मतलब पी चुका हूँ मैं 2-3 बार सुबह से, इसलिए मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ। आप कप में ट्राई कर रहे हैं? क्या ये कप के रेट में और कुल्हड़ के रेट में अंतर है? हाँ, डिफरेंस है, मे बी, मुझे पता नहीं एक्चुअल में, बट मे बी। नए आए हैं क्या यहाँ? मैंने बताया 2-3 इयर्स से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो आपने आज ट्राई कर रहे हैं क्या आप कप? हाँ, ये मैं कप में आज ट्राई कर रहा हूँ। आप कब से चाय पी रहे हैं? मैं भी 1 साल से। 1 साल से? जी। क्या लगती है चाय में, कुछ ऐसा अलग चाय में लगता है? टेस्ट अलग है बाकी से। क्या कुछ क्या अलग लगता है आपको बाकियों से? अच्छा, आप अलग तो क्या? अच्छा लगता है बस। बस अच्छा लगता है, बस यही अलग लगता है बस। और कुछ अलग नहीं, नहीं। अच्छा, चाय के साथ कुछ और भी लेते हैं आप? बन मक्खन अभी तो नहीं खा रहे हैं? सुबह से काफी पी चुका हूँ, अभी ये थर्ड टाइम आया हूँ सिस्टम। तीसरी बार आए हैं चाय पीने के लिए? एक दिन में कितनी बार पी लेते हैं? एक दिन में ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स। 7-8 टाइम्स चाय पी लेते हैं। कॉफी नहीं पीते? नहीं, कॉफी नहीं, चाय पीते हैं। शुक्रिया। तो जो ये सिस्टम चाय वाले की जो दुकान है, आइए उनके मालिक साहब से बात करते हैं। वैसे तो उनका नाम बीदयाल वर्मा है, पर उनको लोग सिस्टम नाम से भी पुकारते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? बीदयाल वर्मा। अच्छा, तो आप ये दुकान कब से चला रहे हैं? सर, ये दुकान हमारी 11 से है, सन 2011 से। 2011 से चला रहे हैं? और अभी तक चल रही है? हाँ, चल रही है अभी तक। तो अच्छा, एक दिन में कितने कुल्हड़ बिक जाते हैं चाय के? ये तो बिकती तो खैर ज़्यादा है, लेकिन हमने कभी हिसाब नहीं लगाया। अच्छा। कितने कुल्हड़ कितना क्या, ये तो है ना, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, लेकिन हाँ चलती है। जी जी। अच्छा, कितने कस्टमर आते हैं? कस्टमर काफ़ी आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से भी आता है आपकी चाय पीने की? चाय पीने, हाँ। और हम सुबह 6 बजे से खोल देते हैं, रात 11 बजे 10:30 बजे तक टाइम हमारा है, उसके बाद हम लोग फिर घर चले जाते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, आपकी चाय को लोग 50 किलोमीटर दूर से ही पीने के लिए आते हैं, ऐसा क्या डालते हैं चाय में? सर ये है कि हाथ के वो पीले बर्तन, देखो हमारा ये भगोना है, ये पीतल का है, पीतल के भगोने में हम इसको कम से कम, ये इतनी चाय है ना, कम से कम ये 20 मिनट से 25 मिनट, आधे घंटे तक पकती है। जब इसमें सोंधापन आ जाता है तब इसको उतारते हैं और अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती डालते हैं। अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती से और टेस्ट बढ़िया आता है। और हम जो इसमें लौंग इलायची मिलाते हैं, लौंग इलायची जो डालते हैं, आपको हर कप में एक ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम सब नाप तोल के डालते हैं। इलायची भी गिनेंगे, लौंग भी गिनेंगे, किसी में ज़्यादा कम नहीं हो सकती, ये सब अपने आप करते हैं, हमें बनाए चाहे जो, लेकिन हम ये सब लौंग इलायची गिन के ही कुटवाते हैं, अपने सामने कुटवाते हैं। तो ये जो आप अलग से चाय पत्ती की बात कर रहे हैं, खास चाय पत्ती, ये कहाँ पत्ती मंगाते हैं? कहीं से? यही लोग देते हैं चाय पत्ती, इन लोगों से बोलो कि मुझे बढ़िया वाली, महंगी वाली चाहिए।
बहुत लोग 150-200 रुपए वाली 250 रुपए की डालते हैं, ये हमारी 600 रुपए किलो पत्ती है। अच्छा, 600 रुपए किलो वाली पत्ती है। अब सारा खेल पत्ती का होता है, जब बढ़िया माल कर बनाओगे तब लोग दूर दूर से आएंगे ही। तो मतलब आप एक खास तरीका अपनाते हैं चाय को बनाने का? हाँ, खास तरीका अपनाते हैं। एक ही टेस्ट आप चाहे आज पीजिए, चाहे 6 महीने बाद, चाहे जो शुरू में आए थे आज आ रहे हैं उनको भी वही टेस्ट मिल रहा है। हाँ, और इसीलिए जो है हमारी चाय प्रसिद्ध है, और हम पकने का विशेष ध्यान रखते हैं। और यही अब दरअसल लोगों ने हमसे बताया कि आप पीले बर्तन में बनाइए, पीतल वाले में, इसमें जो है बनाने से बीमारी करीब नहीं आती है। अल्मीनियम में जितना पकाओगे उतना अल्मीनियम जहर उगलती है, इसलिए हमने इसको यूज किया है। अच्छा, हमने इसको यूज किया है तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अच्छा, ये मतलब पीतल के बर्तन में जो बनाने के बर्तन में, और सब नाप तुल के, यहाँ तक कि चीनी तक हम नाप के डालते हैं, पत्ती तक नाप के डालते हैं, लौंग इलायची भी गिन के डालते हैं। हाँ, कभी किसी में कम ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब हमेशा एक तरीके से एक जैसा टेस्ट मिलेगा आपको। कोई मापदंड है क्या, कुछ रखा है? क्यों नहीं, हमारे रखा है। कप दिखाइए, ये देखो है मग्घा, इससे चीनी डालते हैं और इसी से हम पत्ती डालते हैं। अच्छा। और ये लौंग इलायची सामने रखा है, इसको इमाम दस्ता दिखाइए, उठाइए, इससे हम तुरंत ताज़ा कूटते हैं। अच्छा। और कूट के ताज़ा हम तब इसमें डालते हैं, तब जब जितना ताज़ा काम होगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी बासी पुरानी नहीं? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर लौंग इलायची का टेस्ट सही ना मिला तो हटा देते, दूसरी मंगवाते हैं। हाँ हाँ, हमको सब ओरिजिनल माल चाहिए, क्योंकि हमको लोगों से सब संबंध जोड़ना है। अब ये है, हमारी चाय में मुनाफा ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हमारी चाय 15 रुपए की, मुश्किल से एक चाय पे हम 15 पैसा बचाते हैं। लोग महंगी बेचते हैं, लेकिन ये है कि हम सस्ती इसलिए बेचते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो हमारा काम हो जाता है। महंगी बेचें, कम लोग आएंगे, उससे प्रचार भी नहीं होगा, हमको जानेंगे भी नहीं लोग। अच्छा, आपके एक कुल्हड़ का जो कहते हैं ना कि दाम है वो 15 रुपये? जी हाँ, एक कुल्हड़ का दाम 15 रुपये है और डिस्पोजल चाय 12 रुपये की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने इनको सुना और इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि चाय कैसे बनाई जाती है, जैसा कि ठंड का मौसम है और ठंड लखनऊ वालों को बहुत सता रही है, एक चाय मिल जाए, एक चाय की चुस्की हो जाए तो ठंड झट से छू मंतर हो जाती है। तो आप भी आइए और एक बार सिस्टम चाय सेंटर की चाय ज़रूर ट्राई कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैमरा पर्सन शुभम के साथ अंकिता भट्ट।